राम राम जी सारा ने। आज मैं आपके साथ फर्सी पूरी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसमें मैंने 1 किलो मैदा लिया है और काली मिर्च डाली है, ये मैंने अजवाइन डाली है और ये नमक डाला है। नमक अपने हिसाब से डाल सकते हो। अभी ये सबको अच्छे से मिक्स कर लिया और अभी उसमें तेल डाल दिया। तेल भी पूरे में होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, कम होएगा तो पूड़ियाँ कड़क नहीं होगी। ये तेल मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया हाथ से। पूरे मैदे में तेल हाथ से मिक्स करना है ऐसे। ये कम पड़ गया इसलिए मैंने थोड़ा और डाला है। ये अच्छे से पूरे में मिक्स करके और फिर बाद में पानी से, जैसे अपने रोटी का आटा नहीं गूंदते वैसे गूंदना है उसको। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाला है मैंने, साथ में डालूं तो गीला हो जाए। अपने हिसाब से थोड़ा 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 पानी डाल के मैंने ये गूंद लिया। अभी उसको थोड़ा तेल लगाऊंगी और ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए, मीडियम साइज़ होना चाहिए तो पूड़ियाँ मस्त बनेगी। ये मैंने लोई बना के रख दी और ये मैंने थोड़ा मैदा निकाल के रखा था, उसमें मैंने तेल से ये घोल बना लिया। भले घी से भी आप बना सकते हो पर मैंने तेल में बनाया है। ये मैंने रोटी बेली है। रोटी आप लोई बड़ी करोगे तो बड़ी बनानी पड़ेगी और छोटी करोगे तो छोटी हो जाएगी। ये मैंने जो तेल का और मैदे का लेप बनाया था वो मैंने ये रोटी पे पूरी पे लगा दिया। पूरी रोटी पे अच्छे से उसको लेप करना है। पूरी रोटी पे अच्छे से लेप हो जाएगा तो उसका रोल बनाना है। ये मैंने रोल बना दिया। अभी उसके रोल के लोई काटनी है छोटी छोटी। ये मैंने छोटी छोटी लोई काट दी। रोल आप बड़ा भी बना सकते हो, मैंने चकले के हिसाब से ही बनाया है। ये मैंने लोई काट के रख दी। ये आप हाथ से भी दबा के बना सकते हो, मैंने बेलन से बनाई है। ये मैंने बेलन से बनाई है छोटी छोटी। ये मैंने बेल बेल के रख दिया। ये मैंने दूसरी रोटी बना ली। मैंने 2 प्रकार की पूड़ियाँ बनाई है। एक मैंने वैसे वो मैदे का और तेल का लेप लगा के बनाई है और ये मैंने रोटी बेल के, भले कटोरी से भी काट सकते हो, मैंने गिलास से काटी है। 2 प्रकार की पूड़ियाँ बनाई है मैंने। आप उसके शक्करपारे भी बना सकते हो और पूड़ियाँ भी बना सकते हो और पेठा भी बना सकते हो। ये मैंने चम्मच से होल कर दिए सब में कि पूड़ियाँ फूले ना। पूड़ियाँ फूल जाए तो ऐसे कड़क कड़क नहीं बनती है। ये मैंने सब में जितनी पूड़ियाँ बनाई है उसमें सब में चम्मच से होल कर दिया। ये एक साइड मैंने वो तेल के लेप वाली पूड़ियाँ रख दी, एक साइड वो रख दी। एक पूड़ी मैंने तेल गरम देखने के लिए पहले डाल दी और बाकी की बची पूड़ियाँ मैंने बाद में डाल दी। तेल अच्छे से गर्म हो गया। तेल आप पहले तेज गैस से गर्म कर लेना, बाद में आप मीडियम गैस से ही तलना, क्योंकि बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करना और लाइक करना मत भूलना।
और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। ये पूड़िया मैंने तल ली, अभी वाइट वाइट दिख रही है, वो ठंडी होने के बाद है उसका कलर गोल्डन गोल्डन दिखेगा। ये मैंने ऐसे पेपर पर निकाल दी, जो ज़्यादा तेल है वो पेपर है सोस लेगा। ये मैंने दोबारा से पूड़िया डाल दी, सब पूड़िया मैंने ऐसे ही धीमे धीमे गैस पे तल ली और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये परसी पूड़िया तैयार हो गई। ये देखो जी, सब पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई। ये मैंने बनाया दिवाली का नाश्ता। थैंक यू।